लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है। आप गरीब घर में जन्म लिए हैं, अभी आप गरीब हैं और भविष्य में भी आप गरीब ही रहने वाले, ऐसा आपको लगता है। मैं नहीं कह रही हूँ, कभी कभी कुछ लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो मुझसे मिलते हैं और तुरंत से रोना रोने लगते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा दीदी कुछ नहीं हो सकता है, मैंने सब करके देख लिया, मुझ पर कुछ असर नहीं होता, भगवान की मुझसे दुश्मनी है, धन मेरा द्वार नहीं देख सकता कभी, माता लक्ष्मी जन्म से ही मुझसे क्रोधित है। मतलब इस तरह के जितने नेगेटिव शब्द है कुछ लोगों की जुबान पर बड़े परमानेंट देखती हूँ। वो भी क्या करें, वो भी मनुष्य है। सब्र रखे तो कब तक रखे और कितना रखे। आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई मेहनत कर रहा है और समय के साथ उनका भाग्य बदल रहा है, परंतु आप मेहनत कर रहे हैं और समय के साथ आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मनुष्य है, एक समय के बाद आपकी आपकी जो सब्र होती है, आपकी कैपेसिटी जो सहने की होती है, वो खत्म हो जाती है। मैं समझती हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा शुक्र या मेरा गुरु नहीं बिगड़ा, मेरा चंद्रमा खराब नहीं है, ना ही मेरा मंगल खराब है, मेरे 9 में से 9 ग्रह खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी इसकी वजह से जिंदगी खराब हो गई है और मेरा भविष्य खराब ही रहने वाला है, अर्थात जब दूर दूर तक आपको अपने जीवन में सवेरा नजर ना आए, अपने जीवन में ऐसा लगे कि मैं कल भी कंगाल था, आज भी गरीब हूँ और आगे भविष्य में मेरी बदहाली ऐसे ही स्थायी रहने वाली है, तब आज का यह दिव्य प्रयोग आपके लिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि अपने जीवन काल में केवल एक बार किया गया यह प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख देगा, आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। आपकी एक दुकान है, दुकान नहीं चलती, आप चाबी लेकर रोज दुकान जाते हैं और खोलते हैं, बैठते हैं, 10-20-50 रुपए कमाते हैं और चले आते हैं, और आप ही के सामान वाली सामने एक सामान्य सा दुकान है और वो इतनी चलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मुफ्त में वहां सामान बट रही हो, इतनी चलती है वह दुकान, परंतु आपकी दुकान नहीं चलती। आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, नहीं बिकती है। आप कोई डील क्रैक करना चाहते हैं, आप कोई पॉलिसी बेचते हैं, या आप एजेंट है, आपकी कोई नहीं सुनता, आप समझा कर आ जाते हैं, वो नहीं सुनता, कोई और एजेंट जाता है, थोड़ी सी बात करता है, डील क्रैक कर लेता है। तो आप तो यही कहेंगे कि मेरी किस्मत का ताला बंद है। आपके घर में आपको कोई पसंद नहीं करता, पत्नी को हमेशा आप में कमियां दिखती है, बच्चों को हमेशा आपसे शिकायत ही होती, घर में पत्नी को हमेशा आप में कमियां ही दिखती हैं, तुम ये नहीं लाते, तुम वो नहीं लाते और झगड़े चलते रहते हैं, बच्चों को बहुत शिकायत है आपसे और माता पिता अलग नाराज रहते हैं आपसे। यदि आप भरपूर मेहनत करके भी अपने घर तक में किसी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपनी आखिरी अटेम्प्ट लगाकर भी इतना धन भी नहीं कमा सकते हैं कि अपने जीवन काल को साधारण रूप से चला सकें, आप में काबिलियत है, आपके पास डिग्री है, आपके पास अनुभव है, लेकिन आपसे भी बेकार से बेकार लोगों को जॉब मिलती है, आप सक्षम होने के बाद भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ है जो भाग्य साथ नहीं दे रहा। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कभी सूर्य बिगड़ा हुआ है तो कभी गुरु बिगड़ा हुआ है, आज राहु केतु ने युक्ति बना ली है, आज शनि बिगड़ा हुआ है, आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, किस किस पर कार्य करें, क्या क्या बनाए, क्या क्या बिगड़ रहा है। और अगर आप अपने जीवन में सारा समय एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और इन ग्रहों को सुधारने में बिताएंगे, तो जो भी 200-500 रुपए आप दुकान में कमाते हैं वो भी बंद करनी पड़ेगी, पंडित जी के चक्कर लगाने जो है, लोग हंसेंगे सो अलग, और क्या पता आपको जो उपाय बताया जा रहा है वो कार्य कर भी रहा है या नहीं, वो उपाय वास्तव में आपके लिए है भी या नहीं। देखिए, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, आपको पर्सनली मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, परंतु आज एक यूनिवर्सल उपाय बता रही हूँ, आपके आपके जो बुद्धि को सुधार देगा, आपके धन आने वाले मार्ग को खोल देगा, आपके गुरु ग्रह को बलवान करेगा, बिना बुद्धि का कोई उपाय किए बुद्धि को मजबूत करेगा। शुक्र का कोई उपाय नहीं करना है आपको, और ना ही ये शुक्र का उपाय है, परंतु इस उपाय से आपके घर का भाग्य जाग जाएगा। आप अपने घर में यदि कोई छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हैं तो वह बिजनेस चलने लगेगा, बहुत अच्छे से जागृत हो जाएगा, और खुद आप देखेंगे कि कैसे भाग्य बदलता है आपका, खुद आप देखेंगे कैसे तकदीर बदलती है आपकी, किस्मत का ताला खुलता है और हो जाते हैं आप धनवान, बन जाते हैं आप करोड़पति।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर दुविधा को, हर बाधा को सुविधा में बदल देता है। यही वो मंत्र है जो तकदीर के ताले को खोल कर रख देता है। क्या करना है आपको? चलते फिरते सोते जागते जुबान पर रखिए ओम नमः शिवाय। लेखने उठाते हैं ना आप, कलम उठाते हैं बिल बनाने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए अपने दुकान पर कुछ लिखते हैं, प्रथम ओम नमः शिवाय लिखिए और उसके बाद लिखिए जो जो आप लिखते हैं वह सार्थक ना हो जाए तो कहिए। गाड़ी चला रहे हो, खाना खा रहे हो, नहीं नहाया है आपने, छत पर आप वॉक कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आप ओम नमः शिवाय बोलिए। कोई कहता है कि स्नान करके आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। आप सड़क पर चल रहे हैं ना, ओम नमः शिवाय बोलिए। बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे हैं, जुबान पर रखिए ना, और उसके बाद अपने भाग्य को मुड़कर देखिए ना कैसे पलट जाता है। कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग, ऐसे ऐसे दिव्य उपाय बताती हूँ आपको। यदि गरीबी, कंगाली, दुख, दरिद्रता और तकलीफ आपका पीछा ही ना छोड़े, यदि ऐसा लगे कि अब मेरा कोई भी कुछ सुधार नहीं सकता, केवल समय बिगड़ रहा है और हर चीज सिर्फ बिगड़ ही रही है, तब आज का उपाय आपके लिए। यदि लगे कि माता लक्ष्मी सच में रुष्ट हो गई है मुझसे, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं गरीबी की ओर जाते जा रहा हूँ, तब आज का उपाय आपके लिए। यदि आपको ऐसा लगे कि जैसे मैं अब किसी का फेवरेट नहीं हूँ, सबको शिकायत है मुझसे, मेरा अब भाग्योदय कभी नहीं होगा, मेरा अब सूर्यास्त हो रहा है जीवन में, तब मेरा बताया यह एक दिव्य चमत्कारिक उपाय आपके लिए। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक रुपए का खर्च नहीं बताती हूँ, जो दो दो चार दस रुपए का खर्च हो वो घर की चीजों से हो जाता है। अभी किसी को रुपया देने की आवश्यकता नहीं, मेरे तरफ से अभी कोई नंबर जारी नहीं किया जाता है, कोई फीस नहीं लेती हूँ, सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है। अभी किसी को देने भी नहीं है पैसे, करोड़पति बन जाओगे मैं कहती हूँ ना तब देने पैसे, अभी नहीं देने, ठीक है। 9 मिट्टी के दिए खरीदने हैं आपको मंगलवार के दिन, खरीदने हैं मंगलवार के दिन, ध्यान से सुनिए। 9 मिट्टी के मंगलवार के दिन दिए खरीद लीजिए, घर में लाकर उसको पानी से धो लीजिए और अपने घर की छत पर उसे धूप दिखाइए। जैसा मैं कहूँ वैसा ही करिए। अब अपनी छत पर धूप दिखाने का मतलब, ये धूप आप बाहर सड़क पर या किसी और के घर में नहीं दिखाना है, आपके आपके हिस्से में जो धूप पड़ती है वो सूर्य पर आपका अधिकार है, इतना मान लीजिए। मिट्टी के दिए लाइए, मंगलवार के दिन खरीद कर उसे धो लीजिए, मन प्रसन्न रखिए, खेलने मत रखिए, खुद को कोसिए मत, नीचा मत बताइए, अपने घर की छत पर उसे धूप दिखा लीजिए। सूत होते हैं ना, सूत से जो बाती लगाते हैं, रुई की बाती नहीं, कच्चा सूता का जो बाती लगाती है, 9 बाती काट लीजिए। 9 हर दिए में 9 लौंग के हिसाब से 9×81 यानी 81 लौंग खरीद कर ले आइए। कोई भी दिन लौंग खरीद सकते हैं, आज ये कार्य करना नहीं है, कार्य शुक्रवार को करना है, मिट्टी के दिए मंगलवार को खरीदने। हर एक दिए में 9-9 लौंग डाल दीजिए, दिन हो शुक्रवार का। एक स्टील की हो, कोई पीतल की हो, थाली सजाइए, 9 दिए उसमें रख दीजिए, हर दिए में 9 लौंग रख दीजिए, हर दिए में सूत की बाती रख दीजिए और कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता है वो डालिए इसमें, घी मत डालना। 9 पीस काली मिर्च लाइए, जिसको गोलकी कहते हैं, काली मिर्च, और एक एक काली मिर्च 9 दिए में डाल दीजिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर जहां पर भी हो वहां ले जाइए और 9 दियों को जला दीजिए और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, यथावत माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण कर दीजिए। भोग में आपको जो खुशी से उनको लगाना है, बूंदी लगा दीजिए, खीर लगा दीजिए, कुछ भी मीठा चढ़ा दीजिए, उनको लाल पुष्प अर्पित कीजिए, लाल सिंदूर अर्पित कीजिए, दिन शुक्रवार का हो और ये 9 दिए अपने भाग्य के 9 ग्रहों को सुधारने के उद्देश्य से बड़े अच्छे प्रसन्न मन से 9 दिए को जलाइए और थाली भर कर माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। इस आरती में पूरा परिवार शामिल होना चाहे, पूरे परिवार को शामिल कीजिए, ताकि जरूरी नहीं है कि आपकी किस्मत खराब हो, कभी कभी आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कदम भारी हो, कुंडली भारी हो, जिसके जन्म के साथ घर में कमियां आने लगती हैं, तो इन चीजों को नहीं देखना, घर के सारे सदस्य इस आरती में शामिल हो, ताली बजाकर खुश होकर एकदम माता लक्ष्मी की आरती कीजिए
नौ दिए का तेल खत्म ना हो जाए जब तक, तब तक इस दिए को पूरा जलने दीजिए माता लक्ष्मी के पास। घर के हर एक कोने में आरती दिखाइए, आरती होने के बाद हर एक कोने में आरती दिखाइए और माता लक्ष्मी के पास इन दियों को रख दीजिए। अपने किए की क्षमा मांगिए, हो सकता है कि आपसे किसी का दिल दुख गया हो सकता है कि कोई धन की ऐसी मात्रा आपने अपने पास रख ली हो, किसी का हक मार लिया हो आपने, मनुष्य है गलती हो सकती है, हो सकता है किसी का दिल दुखा हो और वो कष्ट में आपको श्राप दे दिया हो, हो सका है थोड़ी सी चोरी हो गई हो आपसे, जो भी हुई हो माँ आज मुझे क्षमा कीजिए। माथा टेकिए, माथा माता लक्ष्मी के पास टेकिए और इस दिए को जलने दीजिए। मेरा बताया यह उपाय केवल एक बार कीजिए शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, और मुड़कर देखिए अगले हफ्ते कि इस हफ्ते क्या फर्क पड़ा, पूरे माह क्या फर्क पड़ा। क्षमा मिल जाएगी, धीरे धीरे भाग्य उदय होने लगेगा। यह जो दिया जलाया है आपने, अपने नौ ग्रहों को खुद सुधारा है आपने, अवश्य कीजिए। बैठे बिठाए धनवान बनेंगे, हर क्षेत्र से धन आएगा, बन जाएंगे आप करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।